घर के पास में ही, बिल्कुल पास में ही, 1 गज की दूरी में है ये हनुमान जी का मंदिर है। हम लोग रोट वगैरह वहीं चढ़ाते हैं और ये हनुमान जी की वजह से हमारे पड़ोस में हमेशा रौनक रहता है। इनको देख के ही हम लोग आते हैं और देख के ही जाते हैं। हेलो दोस्तों, पांडे बेजी ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज शरद पूर्णिमा, कल भी शरद पूर्णिमा का त्यौहार था और आज भी शरद पूर्णिमा है, तो आप सभी शरद पूर्णिमा को अच्छे से मनाए होंगे। और हम लोग किस तरीके से मनाते हैं ये बता रही हूँ। शरद पूर्णिमा के दिन हम लोग सती माता जी को रोट बना के चढ़ाते हैं और खीर भी बनाते हैं और सती माता जी की पूजा करते हैं, और उसके साथ साथ हम लोग हनुमान जी को भी रोट चढ़ा देते हैं। तो आइए बताते हैं रोट। ये आटा गेहूं का आटा है और उसमें मैं डाली हूँ काली मिर्च और घी पाउडर कूट के डाली हूँ दोनों को, और घी का, शुद्ध घी का मोवन दे रही हूँ। इसको सबको अच्छा से मिला लेंगे और उसके बाद इधर रखा हुआ है दूध में, कच्चा दूध में गुड़ मिला के रखी हूँ, उसको मिला लेंगे। कच्चा दूध है ये और गुड़ है, तो दोनों को मिलाने के बाद में इसी से बांधूँगी और बांध के फिर रोट बनाऊँगी। सबको एक साथ हम लोग मिला के नहीं बनाते हैं कि पूरा आटा बांध लें और बनाएं, ऐसा नहीं बनाते हैं। इसको हमारी मम्मी जैसे बनाती थी वैसी बना रही हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा मिला मिला के बनाते जाते हैं। रोट को 5, 7, 11, 21 जितना भी चढ़ाना है, तो मैं 7 रोट चढ़ा रही हूँ सती माता जी के लिए और 5 रोट दूंगी हनुमान जी के लिए। पर पूरा वीडियो नहीं दिखा पाऊँगी, बीच बीच में कुछ परेशानी आने के कारण पूरा वीडियो नहीं दिखा पाऊँगी मैं। ये घी चढ़ा रही हूँ मैं और कम आँच में इसको सेकना है। इसका 5 या 7 इसका वो जो कोर बना हुआ है, डिज़ाइन बना हुआ है, वो बनाते हैं। फिर उसके बाद घी में इसको तल लेंगे। कम आंच में इसको तलना रहता है वरना अंदर में ये पक नहीं पाएगा। Thank you.
चीज का क्लिप उसका नहीं दिखा पाई हूँ, रोट का। ये खीर है, पहले दिन रात्रि का खीर है, खीर बना रही हूँ ऊपर में रखने के लिए, खुले आसमान में रखने के लिए खीर बना रही हूँ। तो ये खीर का वीडियो है। आप लोग भी खीर बनाते होंगे, और कैसे बनाते हैं, शरद पूर्णिमा का त्यौहार आप लोग किस प्रकार से मनाते हैं, कैसे पूजा करते हैं, प्लीज़ बताइएगा। आप लोग भी कमेंट ज़रूर करिए। खीर में अब शक्कर डाल रही हूँ, और खीर बनाने में समय लगता है इसलिए उसको आराम से 1 से 1.5 घंटे में बना है ये खीर, तैयार हुआ है ये खीर, तैयार हो चुका है। अब उस घी गरम कर रही हूँ, और घी में काजू मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो बादाम टुकड़ा करके और किशमिश और इलायची, ये तीनों घी गरम करके और उसमें मैं खीर के ऊपर डाल दूँगी। खीर में मैं नारियल बुरादा भी डाली थी, अच्छा लगता है हमारे घर में पसंद करते हैं, और ये खीर के ऊपर मैं डाल दी गरम घी और मेवा जो भी है हमारे पास। फिर खीर हो गया तैयार। अपने तरफ से मैं वीडियो दिखाने और बताने की कोशिश की हूँ। प्लीज़ यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और कमेंट ज़रूर करें, और आप सभी का दिल से धन्यवाद।